हमारा उद्देश्य ये 3 महीने के अंदर हम इसमें 150 बेड आ जाएंगे हमारे, और 6 महीने के अंदर हमारे 200 बेड चलेंगे इसके अंदर। ये सब समाज में मैसेज एक जा रहा है, सब एक हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एमएमपीबी आवाज का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सबकी टीम से एक ऐसे संस्थापक संरक्षक या ये कह लीजिए मार्गदर्शक, जिन्होंने हॉस्पिटल की नींव से लेकर अभी तक हॉस्पिटल को देखा है, जिनसे हम आज बात करेंगे हॉस्पिटल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के सवालों को, उनके पक्षों को कि उनका क्या कहना है। तब हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम अवतार अग्रवाल जी, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल का, न्यूज 81 का जी। और आप सबका जो भी आप मेरे पास आए हैं, आप लोगों का धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो नरेश आर्य जी है, जिन्हें प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया गया है, आपके अनुसार उनमें क्या खास बात है जो बाकी सारी ट्रस्टीज है उनके लिए राजी हो गए उनको प्रधान पद के उम्मीदवार बनाने के लिए? नरेश आर्य जी के लिए तो मैं यही कहूँगा भाई, वो एक चिराग है हमारे, एक डायमंड हीरा है। मैंने क्या, श्यामलाल गर्ग जी ने, घनश्याम जी ने और कई लोगों ने, हम लोगों ने प्रयास करके नरेश जी को हमने कोशिश करी भाई आप प्रधान पद के लिए आइए। तो अंग्रेज जी ने थोड़ा बहुत सोचने का टाइम लिया हमारे से, फिर लास्ट में उन्होंने कही थी मैं ठीक हूँ समाज सेवा करने के लिए। तो हम सब लोगों ने नरेश जी को, कि कई जगह मैंने देखा उनको, पंजाबी बाग में भी देखा है, इससे पहले भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में महामंत्री थे वो, उनकी कार्यशैली और उनका बोलने का मृदुलभाषी, उनके अंदर सब चीज़ हमने गुण देखे। घनश्याम जी ने, मैंने, हमारे श्यामलाल गर्ग जी ने, और भी हमारे साथ मेंबर कई लगे हुए थे, मुकेश जी हैं, सुरेंद्र भाई हैं हमारे जो इस टाइम वर्तमान प्रधान है, सब ने उनके अंदर अच्छाई ही देखी, इसलिए हम उनको प्रधान पद के लिए लाए हैं। सर, जैसा कि हमको पता है, सबको पता है कि आप हॉस्पिटल से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, जब तक शुरुआत हुई है हॉस्पिटल से, तो श्री अक्षरन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी सेक्टर 22 के जो ये टीम है, सबकी समर्पित टीम, इसकी क्या खास बात है जो आपको लगता है कि हाँ ये चुनाव में यही जीतनी चाहिए, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं? इसके अंदर ऐसा है मैडम, सबकी टीम जो है ये हमने, श्यामलाल जी ने और घनश्याम जी ने और बाकी प्रयास मेरा काफ़ी रहा, नरेश जी का और मुकेश जी का, और भी काफ़ी लोगों ने ये सोचा भी हम सब एक मिल के ये जो हॉस्पिटल है काफ़ी चलना चाहिए था, तो आज हम सब मिल गए हैं। और जब से हम मिले हैं इसकी पेशेंट भी वहाँ डबल हो गए हैं पेशेंट हमारे, कोई पेशेंट सब जगह एक ही मैसेज जा रहा है कि सब लोग एक हो गए हैं। और जो हमारे 24 आदमी इसमें बिल्कुल 24 करेट आप गोल्ड के दो, हीरा के दो आप इनको, ये सारे हमारे 24 के 24 आदमी खड़े हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, 24 आदमियों के लिए सब जीत के आएंगे। नरेश आर्य जी की पूरी टीम, चाहे हमारे मंत्री हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं या कोई भी उप प्रधान है या कंट्रोल बोर्ड मेंबर हैं, सारे के सारे हमारे 24 के 24। और हमारे जो पांचों जने हैं भाई, सबसे पहले घनश्याम जी हैं, श्यामलाल जी, सुरेंद्र जी, भाई सब तिलोक जी और मैं, हम सारा पूरा प्रयास लग रहे हैं 24 के 24 का। इसके अंदर खूबी है तो अब आपको है ना, जब ये चलेगा ना, और हमारा उद्देश्य ये 3 महीने के अंदर हम इसमें 150 बेड आ जाएंगे हमारे, और 6 महीने के अंदर हमारे 200 बेड चलेंगे इसके अंदर। ये सब समाज में मैसेज एक जा रहा है, सब एक हो गए हैं, श्यामलाल जी और सुरेंद्र जी, अपने घनश्याम गुप्ता जी, इसका भाई यही खूबी लग रही है, अभी बहुत बढ़िया चलेगा आज हमारा हॉस्पिटल ये। चलिए, जिस प्रकार से आप हमें बता रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हॉस्पिटल बहुत प्रगति की राह पे जाने वाला है। तो अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एक मार्गदर्शक के रूप में, संस्थापक के रूप में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप एक क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी के ट्रस्टियों को जो चुनाव लड़ रहे हैं आपकी टीम से? देखो, 24 आदमी तो हमारे ये लड़ी रहे हैं, 5735 ट्रस्टी तकरीबन हमारे हैं इसमें, पैटर्न ट्रस्टी भी है, संरक्षक ट्रस्टी और ट्रस्टी भी हैं। सबको यही है भाई, इस हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों से फ़ायदा उठावें, और मैनेजमेंट के अंदर छोटी मोटी पहले कमी थी, वो अभी से ट्रम में कमी दूर हो जाएगी भाई। हम लोग भी पहले समय कमती देते थे, अब समय सारे हम लोग, हमारे माननीय श्यामलाल जी हैं या और भी जितने भी हमारे मेंबर हैं, सब टाइम देंगे इसके अंदर और सब पूरा काम करेंगे हम लोग मन लगा के, इसके अंदर कोई चीज़ की हम कमी नहीं आने देंगे। 24 के 24 में बार बार एक आपको पुनः दोहराना चाहूँगा, जितने भी 24 हमारे इसके अंदर मेंबर खड़े हैं, जो हमने श्यामलाल जी ने और घनश्याम जी ने,
उसके अंदर मेरी भी सहमति बनती थी हर चीज के अंदर। 24 के 24 आदमी हमारे पूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे, सारे के सारे काफी, हमारा 90-10 जो थोड़े बहुत लोग हमारे भाई खड़े हैं सबको आके खड़े होने का, पर हमारे को इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है पूरे पूरे 24 को, हम सारे जीत के आएंगे और खूब काम करेंगे हम इस हॉस्पिटल के लिए। और जिसको जरूरतमंद होगी उसका इलाज हमारे यहाँ काफी कंसेशन रेट के अंदर हो रहा है और आगे भी हम इसको कंसेशन रेट पे करवाएंगे हम इसको जी। अब जो 22 तारीख को चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आप अपने जो बाकी के ट्रस्टी हैं वो वोट देने के लिए आए, उनसे क्या एक खास अपील करना चाहेंगे आप? 5733 ट्रस्टियों से मैं तो अपने सब अगर बंधुओं से यही कहूंगा, भाई अपने मत का प्रयोग करें आप लोग, आपको राइट है, आप आके हमारे को मार्गदर्शन करें। पहले तो हमारे को भारी बहुमत से जीता है, फिर जीतने के बाद हमारी जो कमेटी बनेगी उसके अंदर आप लोग भी हिस्सा बने। जो भी भाई काम करना चाहता है वो हमारे माननीय श्यामलाल गर्ग जी से, घनश्याम गुप्ता जी से, हमारे सुरेंद्र जी से, हमारे प्रधान नरेश जी से, और बाकी जैसे मैं हूँ रामोतार अग्रवाल है, और भी लोगों से संपर्क करें। जो काम करना का चाहता है कार्य करने के अंदर वो आगे आवे और हमारा पूर्ण सहयोग करे। जब ये हॉस्पिटल तरक्की करेगा इससे ही हमारे संस्था का फायदा होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमें अपनी राय बताने के लिए। अब देखना यह है कि 22 तारीख को कौन सी टीम जीतती है और जीत का परचम लहराती है। तब तक के लिए देखते रहे एमएमटीवी आवाज। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन, आराम्या ज्वेलर्स।